मैं तेरा प्रेम भक्ति के ऊपर सिंह नहीं है, सापरा अनुरक्ति रीश्वरे। भक्ति का अर्थ क्या है कि बहुत अर्थ है। शांडिल सूत्र में आता है, शांडिल भक्ति सूत्र, तो कहता है सापरा अनुरक्ति रीश्वरे कि ईश्वर के बीच में परानुरक्ति कई प्रेम, परम प्रेम भगवान में निष्काम प्रेम, इसका नाम भक्ति है। तुम्हारा आप कहते सरल की सरल है, किसी न किसी चीज में तुम्हारा प्रेम है। तुम्हें संदूक में कहें साड़ी में चवाओ, किसी न किसी चीज में आपका प्रेम है, ठीक है कि नहीं? जरा सा थोड़ा सा यूं करके भगवान में लगा दो, हो गई। शुष्क ज्ञान कहा, शुष्क ज्ञान कैसा? अरे शुष्क ज्ञान क्या, ऐसे ही भगवान का वो करके ऐसे ही अपने वो चलते हैं। शुष्क ज्ञान कहते हैं, जयराम जी शुष्क ज्ञान मारक। वो भगवत ध्यान, भगवत ज्ञान, भगवत आनंद मगन रहते, खाली वो बातें कर देते हैं। जैसे हमने बताया ना पहले, अरबपति है, लाख करोड़ से वो बढ़ गया ना, अरबपति है, परंतु वो भागना पड़ता है। अरे क्या बात है, दूर अरबपति कहते हैं, कहे बात कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो अभी ऐसा ज्ञान हुआ, परंतु इधर इधर जो धक्का खाता है विषय आदि विकारों में, इधर से तो फिर वो जयराम जी। जिसने समृत का आसाधन किया है वह दोनों लोकों में गीता के शब्द में निर्वाण परम शांति को पाता है। भगवान भी ऐसे भक्तों की विशेषता का वर्णन करते हैं, सब भक्तों के बीच में सबता मुझ में दत्त एक भक्ति वाला ज्ञानी ही श्रेष्ठ है, क्यों ज्ञानी भक्तों को मैं विशेष प्रिय ज्ञानी हो। जयराम जी वास्तव ज्ञानी तो चार भगत भक्त तो ऐसे बहुत है, अर्थ अर्थी जिज्ञासु ज्ञान। हे अर्जुन, जो ज्ञानी भक्त है वो ज्ञानी भगत तो मेरी आत्मा है, ज्ञानी भगत और मेरे में कोई फर्क नहीं है, वास्तव ज्ञानी उसकी बात है। हाँ, चार भक्तों में जो ज्ञानी भगत है वो मेरी आत्मा है, ज्ञानी भगत और मेरे में फर्क नहीं है। ये नहीं गुरबानी में पे आता है, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी का कथान जाए आधा अक्षर, ब्रह्म ज्ञानी सबका ठाकुर। वेद में भी आता है ब्रह्मविद ब्रह्म भवती, जो ब्रह्म वेता है वो ब्रह्म स्वरूप है, जो अपने को ये हार मास नहीं कितना जानता है सजा फेदा ऐसे, वो तो उसी को जाना है पार ब्रह्म को। वो खाली ज्ञानी नहीं कहो, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ज्ञानी क्या मारा, किसी आत्मा ही ब्रह्म रूप है ऐसा करके जिसने जाना, उनको खाली ज्ञानी नहीं कहो। वेद क्या कहता है कि ब्रह्मविद ब्रह्म भवती, जो ब्रह्म वेता है ब्रह्म को जानने वाला वो ब्रह्म स्वरूप है, सर्व खले दम ब्रह्म, उसको निश्चय होगा कि जो कुछ है जो जिसमें जो जो देखते हो सत्यता और ज्ञान और आनंद वो उसी पार ब्रह्म का है, सतन ज्ञान अनंग तंग ब्रह्म आनंदो ब्रह्म, ये उसी का है। तो जगत क्या रहा कि नाम रूप ये जगत। जयराम जी, अरे महाराज ये तो देखते देखते चले जाता, कोई चले जाता तो फिर हम क्या चला जाता तो अभी हमें क्या। तो जो कुछ है वो अरे कि लहर नाम और शिकल उसकी कुछ नहीं है, जो कुछ है वो पानी है। क्या कहते हैं महाराज कि मैं कहता हूँ नाम है लहर और शिकल उसको देखने में आती है तो वो कुछ नहीं है। अरे भाई कुछ नहीं कि मलिन लहर स्वच्छ लहर बड़ी लहर, अरे काली हवा से वो प्रतीत होती है, कुछ नहीं, जो कुछ है वो पानी है, पानी को निकालने पर दोगे तो वो उसमें चीज असली क्या की असली है पानी। वो जो लहर वाला पानी वो सिंधु से अलग नहीं है, अच्छी तरह देख ले,
तो ये क्यों बताया कि इस तरह से जैसे वो लहर वाला पानी है ना, लहर नाम और रूप कुछ नहीं है, वो पानी है। तो यहाँ की यह सब लहरिया है, इसमें जो अस्थि भाति प्रिय जहाँ कहाँ देखते हो ये पानी, कि वो पार ब्रह्म से अलग नहीं है, जैसे लहर का पानी सिंधु से अलग नहीं है। जयराम जी के। एक भक्ति वाला ज्ञानी ही श्रेष्ठ है इस चार में, चार भक्तों में, क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं विशेष विशेष प्रिय हूँ और वह मुझको विशेष प्रिय है। सजनों ये पवित्र भाव होता है, अरे वो जानता है कि ये मेरी जान, भगवान ही मेरी जान, ये उसको है, अरे को नहीं है ये बोध, ज्ञानी को ही है कि भगवान ही मेरी जान है बस। सजनों ये पवित्र भारत भूमि ऐसी ही शांति की आधार थी। अरे मारी ये तो बड़ी ये की विशेष है, अपनी जान करके जाना तो कि अप्रेम नहीं होता अपने आप से। अरे महाराज धर्मपत्नी भी प्यारी लगती है, प्यारी लगती है ऐसे आया था उसे कभी प्यारी, अपने आप से कभी अप्रेम होता ही नहीं। अरे महाराज आप तो संत पटली पर जा करके करते हो के वो शरीर को आत्मा को नहीं, सत्यनारायण जब भूल हो गए तो पता वो आत्मा को नहीं, वो पटली पर किसको के शरीर को जाके वो आते हैं, ठीक है कि नहीं। तो वो भगवान को अपनी जान करके मान